हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, इट्स पार्ट टू। पार्ट टू करेंगे, पार्ट टू मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, लेकिन पार्ट टू करने से पहले मैं आपको पार्ट वन में हमने क्या किया था प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में, वो हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन है, त्वरक का सिद्धांत है, वो अफ्तालियन ने 1907 में, उसके बाद बेकर डाइक ने 1914 में और जे एम क्लार्क ने 1917 में इस सिद्धांत को दिया था। और लेकिन जो सिद्धांत था वो लाइमलाइट में तब आया जब हैरड की थ्योरी ऑफ ग्रोथ और हिक्स की थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल आई, जिसमें इन्होंने मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों थ्योरीज़ का यूज़ किया है, दोनों सिद्धांतों का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एक्सेलरेटर या त्वरक क्या होता है। तो जो त्वरक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज इन फाइनल आउटपुट। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फाइनल आउटपुट पर या इनकम पर डिपेंड करती है। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशो, इसे हम पूंजी उत्पाद अनुपात भी कहते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब क्या है कि हमें एक रुपये का उत्पाद या प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हमें कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी, जिसे हम पूंजी उत्पाद अनुपात भी कहते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशो। इट मीन्स फॉर अ प्रोडक्शन वर्थ वन रुपी, वट अमाउंट वी नीड फॉर कैपिटल, हमें कितनी अमाउंट में पूंजी चाहिए, दैट इज़ कैपिटल आउटपुट रेशो। तो इसे हम कैपिटल आउटपुट रेशो भी कहते हैं। तो पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर मीनिंग, फिर आप इसमें एग्जांपल, मैंने जो इससे पहली जो वीडियो है कारपेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, उसमें एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल एक कारपेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर दरी बनाई जाती है और दरी बनाने के कारखाने में अगर दो दरी की डिमांड बढ़ती है तो हमें दो दरी का जो कीमत है अगर वो 20 रुपये हैं, और उसके लिए जो हमें नई इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपये करनी पड़ती है, जो इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन है वो अगर 100 रुपया करना पड़ता है, तो वहाँ पर जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो हमारी होगी 100:20। इसका मतलब 20 रुपये का आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें 100 रुपये का निवेश करना पड़ता है, इट मीन्स 5:1। तो ये हमारी पूंजी उत्पाद अनुपात है, कैपिटल आउटपुट रेशो है। तो इसका फॉर्मूला, इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन इनकम और आउटपुट। तो जो एक्सेलरेटर है या त्वरक प्रिंसिपल है उसको हम W से डिनोट करते हैं, इसका मतलब डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा के है चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाई चेंज इन इनकम और आउटपुट, कि आउटपुट में परिवर्तन होता है या इनकम में परिवर्तन होने के कारण कैपिटल में कितना परिवर्तन होता है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर या त्वरक। इसकी हमने एजम्पशंस की थी, एजम्पशन क्या है, नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, हम ये मानकर चलते हैं कि कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। फिक्स एक्सेलरेटर और फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशो, जो कैपिटल आउटपुट रेशो है या एक्सेलरेटर की वैल्यू है, दैट रिमेन फिक्स, टेक्निकल रीज़न के कारण हम इसे फिक्स मान लेते हैं। परमानेंट इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वो परमानेंट इंक्रीज़ है, ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए डिमांड इंक्रीज़ हुई तो जो भी इन्वेस्टर है वो नई मशीनरी के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक कि डिमांड में परमानेंट इंक्रीज़ नहीं होता। फर्म विल इंक्रीज़ कैपेसिटी, तो जो फर्म है वो कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगी, जिसके कारण वो नया निवेश करेगी। नेक्स्ट है, कैपिटल इक्विपमेंट इज़ इंडिविजिबल, जो कैपिटल इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो इंडिविजिबल रहेगी, उसे हम अलग अलग पार्ट्स में नहीं ले सकते। सरप्लस कैपेसिटी इन प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री, हम लेकिन ये मानकर चलते हैं कि प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री, जहाँ पर मशीनरीज प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ पर सरप्लस कैपेसिटी है, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में कोई सरप्लस कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए नया निवेश करने के लिए उनको नई मशीनरी लगानी पड़ेगी, और जो नई मशीनरी ली जाएंगी वो प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री से ली जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर हमें सरप्लस कैपेसिटी अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट इज़ अवेलेबल टू ऑल द फर्म्स, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न अप्लाई होंगे, और इलास्टिक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन करने के लिए उनकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक है, इट मीन्स लोचदार है, जितनी आवश्यकता होगी उसे हम ले लेंगे।
तो ये assumptions करने के बाद हम इसको explanation करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो जो acceleration का principle है, जैसा कि हमने पढ़ा कि जैसे जैसे production increase होता है there will be increase in capital goods। तो capital goods या फिर पूंजी में चेंज होता है, परिवर्तन होता है। इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलेटर और कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये कैपिटल आउटपुट रेशियो पूंजी उत्पादन अनुपात या एक्सेलेटर पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इफ़ इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं वर्थ वन रुपी, और अगर कैपिटल वर्थ रुपी थ्री इज नीडेड, तीन रुपये की हमें कैपिटल चाहिए, तो इट मीन्स कैपिटल आउटपुट रेशियो और एक्सेलेटर विल बी 3:1 or 3। तो इसे हम इस तरह से फॉर्मूले से दिखा सकते हैं, एक्सेलेटर इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। अगर डेल्टा के है न्यू इन्वेस्टमेंट, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई अपॉन डेल्टा वाई। और जो चेंज इन इनकम है, डेल्टा वाई हमारे पास क्या है, वाई टी माइनस वाई टी वन माइनस वन, इट मीन्स जो प्रेजेंट इनकम है माइनस लास्ट ईयर की जो इनकम है, प्रीवियस इनकम है, उसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो एक्सेलेटर है उसको हम एक शेड्यूल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जिसे हम तालिका बोल सकते हैं। तो हमने ये मान लिया फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशियो, दैट इज़ डब्ल्यू एक्सेलेटर इज इक्वल टू थ्री, डेप्रिसिएशन 20% रहेगा। डेप्रिसिएशन इसका मतलब घिसावट, जो भी हम मशीनरी लगाते हैं उसमें कुछ ना कुछ घिसावट होती ही होती है। नाउ अब जो एक्सेलेटर प्रिंसिपल है उसके लिए हम एक शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल के साथ हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है W इज इक्वल टू थ्री, डेप्रिसिएशन 1/5 or 20%, 20% हमने डेप्रिसिएशन लिया है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट इन्वेस्टमेंट, और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन की ही वैल्यू है, क्योंकि जो भी टूट फूट होती है या उसी तरह की उसी तरह की नई मशीनरी के लिए हमें कितना और निवेश होगा, चाहिए होगा, दैट इज़ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, तो वो डेप्रिसिएशन ही होती है, प्लस नेट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो अब हमने जो शेड्यूल बनाया है उसमें पीरियड 1-3 years, आउटपुट फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मानकर चलते हैं कि पहले साल में इन फर्स्ट पीरियड बिगिनिंग में जो आउटपुट है वो हमें 500 आउटपुट चाहिए, और जो कैपिटल आउटपुट रेशो हमने 3 एज्यूम की थी, तो कैपिटल जो चाहिए के इज इक्वल टू 3y, तो वो हो गया 1500। डेप्रिसिएशन हम 1500 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1/5 20%, 300। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन ही होती है, तो 300 300, नेट इन्वेस्टमेंट जीरो है, अभी पहले साल में नेट इन्वेस्टमेंट जीरो है, और ग्रोस इन्वेस्टमेंट 300 + 0 = 300। तो आपने जब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हम ये सब बताएंगे कि किस तरह से वैल्यूज आई हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, अब सेकंड ईयर में दूसरे साल में आउटपुट अगर 510 हो जाता है, 10 आउटपुट इंक्रीज होता है, तो हमें जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 1530 होगी। के इज इक्वल टू 3y, 510 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, और जो डेप्रिसिएशन है वो लास्ट ईयर के कैपिटल पर लगता है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज़ 300, और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी यही आएगी 300। नाउ नेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि 1530 में से 1500 लेस करके, तो 30 हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट है, और ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, 300 + 30 = 300, 30 हमारे पास क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे जैसे हमने किया तो इसे हम लिखेंगे भी वैसे ही, कि इफ़ डिमांड फॉर आउटपुट इंक्रीजेस टू 510, देन कैपिटल इज इक्वल टू 510 × 3, दैट इज़ 1530। डेप्रिसिएशन जो कि हमने 20% लगाया है, दैट इज़ 300 डेप्रिसिएशन। अगेन नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, वो क्या है कि KT - KT - 1, तो 1530 में से 1500 लेस करेंगे तो हमारे पास है वो नेट इन्वेस्टमेंट, और ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन दोनों को प्लस करने से आ गई 330। नेक्स्ट अगर थर्ड पीरियड में, नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियड है, अगर उसमें जो नेट आउटपुट है वो बढ़कर 525 हो जाता है, तो कैपिटल रिक्वायर्ड 525 × 3, दैट इज़ 1575। और अब जो डेप्रिसिएशन है वो 1530 पर लगेगा, डेप्रिसिएशन 1530 पर लगाना है, तो 1530 का 1/5 करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 306। जो डेप्रिसिएशन है वही रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगी, और नेट इन्वेस्टमेंट देखो कैसे आएगी, 1575 - 1530, 1575 में से 1530 लेस करेंगे, दैट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट, और तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 45, और अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 351।
नेक्स्ट इन फोर्थ पीरियड अगर अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है 550, सॉरी आउटपुट बढ़ जाता है 550 डिमांड बढ़ने के कारण, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी 550 गुना 3 दैट इज़ 1650 1650, और डेप्रिसिएशन लगेगा 1575 पे। जो डेप्रिसिएशन अब लगेगा इस पीरियड में वो 1575 पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगा 315। वही रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है 315 एंड नेट इन्वेस्टमेंट होगा 1650 माइनस 1575 दैट इज़ 75, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट होगी 390। नेक्स्ट इन फिफ्थ पीरियड, पांचवी पीरियड में क्या होता है कि अगर आउटपुट इंक्रीजेस होता है 575, 575 तक आउटपुट बढ़ता है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट देखो 575 गुना 3, क्योंकि हमने फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशो मानी है, तो ये हो जाएगा 1725। और डेप्रिसिएशन अब लगेगा 1650 पर, डेप्रिसिएशन 1650 पर लगेगा दैट इज़ 330। डिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी 330। नाउ नेट इन्वेस्टमेंट 1725 में से 1650 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगी 75, और इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज़ 405। नेक्स्ट इसी तरह से अब हम जब सिक्स पीरियड में करते हैं, अगर सिक्स पीरियड में आउटपुट नहीं इंक्रीज होता, 575 ही रहता है सेम, तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 1725, क्योंकि 575 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1725 डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा दैट इज़ 345। ये आपने कैलकुलेशंस करके दिखानी है। नेक्स्ट भी है 345 रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। नाउ नेट इन्वेस्टमेंट इज़ 0, क्योंकि पहले 1725 थी, अब भी 1725 है, तो नेट इन्वेस्टमेंट 0 एंड ग्रोस इन्वेस्टमेंट विल बी 345। नेक्स्ट इन सेवन्थ पीरियड अगर हमारा आउटपुट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, आउटपुट कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल 560, तो कैपिटल रिक्वायर्ड है 560 × 3 दैट इज़ 1680, और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है वो 1725 पर लगेगा दैट इज़ 345। और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट सेम एज जो डेप्रिसिएशन होता है, और ये लेस हो जाएगा 1780 माइनस 1725 दैट इज़ इट मीन्स हमारी इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट लेस हो गई है, और 345 में से 45 लेस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 300। तो ये हमने एक शेड्यूल बनाया जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर आउटपुट बढ़ता है तो कैपिटल आउटपुट रेशो के अनुसार या एक्सेलरेटर जो भी हमारे पास है उसके अनुसार हमारी जो कैपिटल है वो रिक्वायर्ड हमें पता चलेगी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट की डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज, तो हमारी इन्वेस्टमेंट में भी जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है एक्सेलरेटर की वैल्यू के बेस पर। जैसे कि हमने देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट हमारी 575 है, सिक्स पीरियड में भी 575 रहती है, तो जो रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट है वो जीरो है, कोई आउटपुट में चेंज नहीं हुआ, तो नेट इन्वेस्टमेंट भी जीरो है, और जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है वो हमारी बढ़ने की बजाय कम हो गई है। इसी तरह से अगर लास्ट पीरियड में वो जो आउटपुट है वो कम हो जाता है तो हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है वो नेट इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है, और वो किसके ऊपर बेस्ड है, आउटपुट के ऊपर बेस्ड है कि इनकम या आउटपुट में जो भी चेंजेस होते हैं उससे हमारी इन्वेस्टमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। तो जब भी हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये शेड्यूल के साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे वन बाय वन, सभी बताएंगे कि हमने ये किस किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास था, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर। नाउ सम इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, क्रिटिसाइज़ एंड जो क्रिटिसिज्म है वो नॉक्स हट एंड टिम्बरजन ने किया है, तो उनकी जो क्रिटिसिज्म्स हैं वो हमारे पास क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं, अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो, अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो। इसका मतलब जो इसमें एक एजम्पशन ली गई है कॉन्स्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो, उसकी जो एजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है, वो सही नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो कभी भी सेम नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू
शेपिरो कि जब भी कोई टेक्निकल चेंजेस होंगे तो जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इनकी ये एजम्पशन लेना, एक्सेलेटर प्रिंसिपल की ये एजम्पशन कि कैपिटल आउटपुट रेशो विल रिमेन कांस्टेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज इम्प्रैक्टिकल, कहते कि जो थ्योरी है वो इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि जो ये बेस है कि हमेशा इकोनॉमी में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि इसकी एजम्पशन हमने फर्स्ट एजम्पशन ली थी कि देर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, लेकिन इन एक्चुअल लाइफ ज़्यादातर जो फॉर्म्स हैं वो लेस देन फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ही काम कर रही होती हैं। तो अगर डिमांड बढ़ती है तो उनको नया इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है इन एक्यूरेट अशुद्ध, कि देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नोक्स, वो कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है वो सही नहीं है क्योंकि अगर डिमांड में परिवर्तन होते हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो एकदम से नेट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा या अपने कैपिटल आउटपुट रेशियो, ज़रूरी नहीं है कि वो साथ ही इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है रियल लाइफ में वो कैपिटल गुड्स पहले से ही वो इतनी ज़्यादा परचेज करके उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी जितनी भी डिमांड इंक्रीज हो रही है उसको वो फुलफिल कर सकें। इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर, एक हमने एजम्पशन ली कि इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। इसका मतलब है कि जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है उसमें उसकी जो सप्लाई है वो इन इलास्टिक नहीं होती, इट मीन जितने हमें सोर्सेज चाहिए, जितने हमें साधन चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स का एक्चुअल बिहेवियर है उसके बारे में भी कुछ भी कहना सही नहीं है, कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं है, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं की गई है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर करते हैं कि आगे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही रहेगा, डिमांड कंटिन्यू इंक्रीज रहेगी या नहीं, तो बहुत सारी चीज़ों को, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उसके एक्चुअल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया गया। सिंपल टूरिज़्म, देखिए ये एक सत्य है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो निवेश, नया निवेश किया ही जाएगा, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। लिमिटेड यूज़, कहते कि जो ये थ्योरी है एक्सेलेटर का प्रिंसिपल है वो उसकी जो यूज़ है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत सारी जगह इसे जब ट्रेड साइकल्स आते हैं या फिर जब ट्रेड साइकल्स के लोअर पॉइंट्स आते हैं टर्निंग पॉइंट्स, तो उसमें इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन है, दीज आर द डिफरेंट क्रिटिसिजम्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, और ये मैक्रो इकोनॉमिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम एक या दो बार पढ़ेंगे तो हमें इसे समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।